मेरा अंत जी से निवेदन है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय जो मंत्री का स्वागत। मेरा अंत जी से निवेदन है कि हरिपालपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर धर्मपाल जी का माला और पटका पहनाकर मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। सम्मेलन हमने रखा है, लाभार्थियों की सूची सब जगह बनी है। विधानसभा वाइज उनका सम्मेलन हो जाएगा 21 जून को। हम लोग जानते हैं क्या बनता भैया 21 जून को योग दिवस, तो योग दिवस का कार्यक्रम होगा, विधानसभा वाइज होगा। एक लोकसभा का कार्यक्रम और है, ये विधानसभा वाइज ही बताया इसमें भी विधानसभा के कि भाई जनप्रतिनिधियों का संगठन का समन्वय हो और सिर्फ महानगर तक नीचे वार्ड तक इसलिए हमारे जो सम्मानित पार्षद आए हुए उनको ये बताया गया कि भाई पार्षदों को भी मंडल के संग वार्ड सहयोगों के संग बैठ के योजना के संग उसमें सहभागिता करनी चाहिए, बैठकों में रहना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, व्यवस्थाओं में सहयोग करना चाहिए। इस बात को यादव शर्मा जी हमारे सामने बैठे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित संगठन के आगरा महानगर परिषद से अध्यक्ष माननीय भानु जी, आगरा की महापौर माननीय हेमलता जी, पूर्व मंत्री और छावनी से विधायक माननीय डॉक्टर धर्मेश जी, मेरे नेता और उत्तर से विधायक मेरे नेता है वो रोता है पुरुषोत्तम जी मेरे अध्यक्ष है, मैं महामंत्री है, हमारी बहन प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता जी, हमारे उच्च सदन के हम लोग तो नीचे वाले सदन के दरबार है, ऊंचे वाले शिवहरे जी, टीएन जी, समस्त उपस्थित नवनिर्वाचित पार्षदगण और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और मातृशक्ति, सबसे पहले मैं बधाई मंच पर बैठे और सामने बैठे सभी लोगों को देना चाहूंगा जिन्होंने अथक परिश्रम से आगरा में रिकॉर्ड करवाई है, जिसका नेतृत्व आगरा के महानगर अध्यक्ष भानु जी कर रहे थे,
हम सब इनके नेतृत्व में काम कर रहे थे और दिशा दे रहे थे डॉक्टर रमेश जी। फिर टीम की तरह जब काम हुआ तो शुभ परिणाम सामने आए। अभी धर्मपाल जी ने कहा था फंस गई, मुझसे धर्मपाल जी सब ने धर्मपाल जी ने यहां कहा है, धर्मपाल जी ने वापस कर जब परसेंटेज कम हुआ कि क्या पोजिशन बनेगी होगी, तो मैंने कहा लगभग 60 से ऊपर मिनिमम 60 सीट जीत रहे हैं, ऊपर जीत सकते हैं और 60 सीट जीत रहे हैं तो 75,000 से ऊपर की लीड होगी। तो बोले वो कैसे, नगर जब 35% सीट जीतेंगे 35 से 40% तो हम नगर प्रमुख जाएंगे बाहर और जीतेंगे, जितना बढ़ते जाएंगे उतना लीड बढ़ती जाएगी। इक्वेशन है जो चुनावी राजनीतिक समीकरण की गणित जानते हैं वो समझेंगे। तो ये जीत तो सुनिश्चित थी और अच्छे लोगों से भी थी, लेकिन हाँ जल्दी तो जल्दी से की हुई बहुत अच्छे लोगों से की गई है। सब लोग देखते हैं आप सबका सतत जीवन संपर्क क्यों है जनता से, क्योंकि हमारे लोग कार्यक्रम देते हैं, योजनाएं बनाते हैं। अब मात्र 280 दिन रह गए हैं लोकसभा के चुनाव, इसलिए भोगाल से मतलब नाम को रुकी अभी तक दो कर गिन दिन गिन रहे हैं हम, तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज मान लीजिए 280 है, 280 हो जाएंगे, 280 हो जाएंगे, तो हमको उसमें फिर मजबूती करनी है। इस तरह फड़फड़ा रहे हैं विपक्षी लोग, एकजुट होकर कैसे उस ताकत को हटा सके जो देश की नई इतिहास लिख रहा है, देश की प्रगति की नई इबारत लिख रहा है, राष्ट्र का नया निर्माण कर रहा है, उस शक्ति को कैसे हराया जाए, इसमें विदेशी शक्तियां भी शामिल है, यह मैं आपको बता रहा हूं। यह चुनौती हम सब का करना होगी कि विदेशी शक्तियों को कैसे हम मुकाबला करें, जो देखना नहीं चाहती कि भारत राष्ट्र मजबूत हो, उनसे तो छोटे मोटे लोग जब आते जब छोटे हो गए लोग जब इनका, लेकिन इनके पीछे जो लोग खड़े हो जाते हैं वह चुनौती देते हैं, उन चुनौती का सामना करना है। तो मित्रों ये जो कार्यक्रम दे रहे हैं हमारा नेतृत्व, इसमें पूरी तरह मनोयोग से जुटना होगा और नए इतिहास को लिखना होगा। और एक सूत्र की बात और बता दूं, अभी आप सब चुनाव लड़े हैं, हर जगह शिकायत वोटर लिस्ट का नाम गाए, वोटर लिस्ट में गवर्नेंस की गवर्नेंस गाए, उसका थोड़ा थोड़ा परिणाम भी देखने को मिला। तो क्यों क्यों नहीं हम पहले से जागरूक हो, ठीक है इस समय हवा बाकी मोदी जी की है, योगी जी की हमारे कार्यकर्ता मजबूत है, सब काम कर रहा है, लेकिन मान लीजिए करौली में 1,000 वोट की चीज और 1,000 वोट 700 भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, 300 हमारे विरोधी है, भाजपा का गढ़ कहलाएगा क्या कहलाएगा, लेकिन जब वो वोट एनरोल हो रहे हैं उनके 300 के 300 हो गए, हमारे थोड़े 300 रह गए, तो गढ़ हमारा था लेकिन जिस हथियार से चुनाव लड़ना था वो हथियार हमारा बकरा हो गया, मजबूत नहीं था, शार्प नहीं था, हम चुनाव हार गए। तो वोट खराब मतदाता बनाना, मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है, अभी माननीय महापौर बोलेंगे, उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद होगा, उसके बाद सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान होगा। एक बार फिर से सभी को कहेंगे भारत माता की जय। उधर आ जाओ, उधर मैडम, उधर सभी माननीय पार्षद आ जाएंगे।
करिए, उत्तर विधानसभा के संविधान नहीं पाता।